जो फैमिली मम्मा बात कर रही हूँ, ये मेरा बेटा है वसी। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जो मुझे मिले हो ना, ये मेरे मौला ने आपकी ड्यूटी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रजू? ठीक हो? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम मेरे साथ जो है माँ जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो इस टाइम मेरे साथ है अली हमजा, और दिन को ये ड्यूटी करके मेरे साथ ही वापस रूम में आ गया था। तो अभी जो सीन है वो कुछ इस तरह का है, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी जो है इस टाइम मैं रूम से निकला हूँ और गजा की तरफ, तो ये रास्ता सीधा हरम शरीफ जा रहा है। अभी जो है सीधा हरम शरीफ जा रहे हैं, और मगरिब की नमाज में टोटल 5 से 10 मिनट रह गए। उसके बाद जो है माँ जी को भटजी और रजब अपना रजब भाई के साथ जो है, और की खाला, 4 बंदे हैं। अभी बस मेरी बात हुई थी भटजी से, तो कह रहे थे कि अपना आ जाओ आप लोग। अभी जो है बस यहाँ से चलते हैं सीधा उनके पास होटल, उनको मिलते हैं। क्योंकि रात को मैं काफ़ी देर बैठा रहा हूँ उनके पास, वीडियो नहीं रात को बना पाया, कुछ हिम्मत नहीं थी, तबीयत नहीं सेट थी। अभी जो है बस सीधा उधर उनके पास जाना है, उनको वहाँ से लेते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने पहली दफ़ा उम्र पर आए, तो हरम पेर की दिन में ज्यारतें वगैरह नहीं की, जो कि आपको पता है कि मैं बेशक यूट्यूबर हो या जो भी आए सबको करवाता हूँ स्वभाव की नीयत से। तो अभी वही करना है, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उनको लेते हैं, लेके उनके बाद उनको ज्यारतें वगैरह करवाते हैं, और थोड़ा सा ज़रा उनके साथ बैठते शहते हैं, बातें शातें करते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। और चलिए हमारे साथ साथ रहिए। अच्छा जी, नमाज का टाइम है, और अभी जो है वजू कर लेते हैं, वजू करके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। टाइम जो है वो इस टाइम हो रहे हैं 7:15। तो अल्हम्दुलिल्लाह वजू जो है वो कर लिया, और इसका तारुफ कराना भूल गया भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? किधर फिर जा रहे हो? बस आपके साथ निकले हैं घूमने फिरने के लिए। घूमने फिर हम कहाँ कहाँ घुमाते हैं? चलो आज फिर भाई को घुमाते हैं। तो वह चलते हैं, नमाज वगैरह अजान जैसी होती है नमाज पढ़ते हैं, या नमाज से पहले मिल लेंगे या नमाज के बाद मिल लेंगे। उसके बाद का जो सीन है वो आपको साथ साथ दिखाते हैं। वैसे तो बता दिए, साथ साथ जुड़े रहिए, पूरा व्लॉग देखना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको लाजमी प्रेस करना है, लाइक और कमेंट लाजमी करना है कि किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए मक्का के अंदर की, इंशाल्लाह सारी आपको मिलेंगी। जिन्होंने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हुए, वीडियोज़ नहीं देखी हुई, वो भी जाके वो वीडियोज़ वगैरह देखें, और भाई की जो है फुल सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट चाहिए, आप सबके लिए यहाँ पे दुआएं ही दुआएं। माशाल्लाह इस टाइम हरम शरीफ की रौनक। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मगरिब की जो नमाज है वो पढ़ ली है, और इस टाइम मेरे साथ जो है माँ जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है? और आपको जिस तरह बताया था, बस थोड़ी बहुत ज्यारतें वगैरह करवानी है तो वो शुरू करते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। और क्योंकि कल जो है माँ जी ने सुबह 10-11 बजे तक मदीने वापस चले जाना है, तो अभी इस टाइम हरम शरीफ में मौजूद है, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, चलते हैं आगे। अच्छा माँ जी जो है बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम बात बताने लगी हैं, और सुनते हैं। मैं कह रही हूँ जो आप लोग मुझे मिले हो ना मेरे बच्चे, ये आप लोग ऐसे ही नहीं मुझे मिले। इसमें ना मैं जब घर से निकली ना, मैंने 4-5 दिन वीडियोस देखी उम्रा की, मेरा फर्स्ट उम्रा था, ठीक है? तो मैंने दुआ मांगी, मालिक मेरी मदद करना, मुझे ऐसे मिला देना कुछ लोगों को जो मुझे सही से उम्रा करवा दें, मेरे को मेरे को गलती ना रह जाए, ताकि मैं तसल्ली से अपने घर आऊँ। बिल्कुल, तुम लोग जो मुझे मिले हो ना, ये मेरे मौला ने आपकी ड्यूटियाँ लगाई है, क्योंकि आप लोग जो मुझे कहा तो मैं नहीं कह सकता, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या है, ऐसे है ना? बिल्कुल, जो आप ये ड्यूटी आपकी अल्लाह ने लगाई है, मेरी लगाई हुई नहीं है। ये मैंने मन्नत मांगी थी मौला, मेरा कोई ऐसा सबाब लगाना, देखो अल्लाह पाक ने लगा दिया। बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसका सिला आपको अल्लाह पाक ने दिया इंशाल्लाह, अपने हबीब का सबका मौला सलामत रखे आप लोगों को। मेरा यही होता है माँ जी के
सब हम यहाँ पे मुसलमान ही हैं। मेरे से जो कोई भी कुछ पूछता है ना, अब वो जुल्करनैन भाई आए हुए थे, उनसे भी मेरी अचानक मुलाकात हुई, और मुलाकात भी इस पर हुई कि उन्होंने कुरान मजीद रखने थे ना हरम के अंदर, तो वो अब देखें अल्लाह पाक ने मिलवाना था उनको, मिला वो सारा कुछ रखवाया। तो मेरी ये होती है कि कुछ लोगों की होती है लालच, मेरी ये होती है कि अल्लाह के घर में इधर हम खादिम हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो जितनी खिदमत आप लोगों की कर सकते हैं उतनी करें, और दुआएं आप लोगों की चाहिए से करो, ये आपको हज उमरे का सवाब बराबर मिलेगा। बिल्कुल, जो हम लोग माल करेंगे उसका सवाब भी आपको मिलेगा साथ, बिल्कुल आपकी वजह से हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने फिराए इंशाल्लाह मौला आप लोगों की ये भी ड्यूटियाँ लगी होती छोटे छोटे कामों में भी। बिल्कुल, ऐसे कोई किसी का काम नहीं आता जाता, अल्लाह पाक नहीं चाहता। असल तो वो मकान मेरे ख्याल में नीचे ही है ना, लेकिन वो सिर्फ अभी निशानी की तौर पर ये वो वाली जगह जहाँ से मतलब यहाँ से आपको सुना वो आपको मिलता है ना, एक अल नबी गेट होगी अल सलाम। बिल्कुल, कार्ड मतलब अब इतनी यही सामने जगह होगी, लेकिन उसकी निशानी और इधर ही खड़े हो कि आप सुनने चांद के दो टुकड़े इसलिए आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा, जो हम जैसे लोग आते हैं उन्हें नहीं पता, उनके लिए काम से चीज़ बिल्कुल हम जैसे निकल जाएंगे ना, या तो लिखा हो कुछ उन्होंने नुमाया किया है ना, वो छुपाई नहीं है ना अपने लोगों को बता नहीं, ये होटल नहीं, ये सब मैं पहले से मतलब ये सोची शेख मतलब इमाम काबा जो आते हैं ना वो फिर इधर आते हैं, फिर यहाँ से वो आप मुझे मेरे निशानी अब देखें ना, इन्होंने ये खोला छोड़ा है, आप देखें सारी ये सारे यहाँ पे प्यारे आकर टूटी हाँ उस साइड पर जो है ना उसकी पैदाइश हुई थी, और अभी जो है उन्होंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया। असल में इसके नीचे लिख दो आप इधर मदीना जाएंगी मौला, ये तो मैंने निशान देखी मुंबई मोमिन हजरत खदीजा को मिला, ये मुकाम भैंस तो नीचे ही, लेकिन ऊपर जो निशानदेही के लिए नंबर ये किया हुआ रख हुआ है इसी के सामने आज मैं सुनूंगा। मलका थी वो अरब की मलका, इसी तकलीफ होती थी, कहते शिया लोग बोलते हैं हमारी जान निकलती कि जो मालक है उनका हाल देखो और अपने में हाल देखो तुम लोग। बिल्कुल यही बात है, ये असलाम को कभी पाकर जितना साहब भी किसी को बन दिया किसी ने नहीं। बिल्कुल, तो ये लोग क्या करते हैं मतलब जब हर लोग नमाज पढ़ते हैं ना तो ये आज तक आप इस मुकाम को मान लेते हैं।
फिर इधर ही उन्हीं से मस्जिद बनवाई थी, मस्जिद बनवा के उसका नाम रखा था। हाँ ये सारी मस्जिद हाँ औरतें ऊपर अच्छा जी जन्नतुलमौला से जन्नतुलमौला की जो है वो ज़ियारत करवा दी है। अभी जो है माँ जी को और बाजी को जो है वो लेके जा रहे हैं दूसरी साइड पे, हरम में नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। कि अभी जो है सारी ज़ियारतें वगैरह करके और ईशा की नमाज जो है वो पढ़ ली है, और अभी जो है इस टाइम मैं इधर KFC के पास जा रहा हूँ क्योंकि रशीद भाई जो है वो उधर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं और रजब भाई से मिलना है, क्योंकि बट जी थे वो तो ऊपर सोए हुए थे, तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं माँ जी को लेके गया था, इनको ज़ियारत वगैरह करवाई है। अभी जो है बस एक ज़ियारत रह गई है, पहले इधर से रशीद भाई को मिलते हैं, उसके बाद जो है हम लोग वो सामने जाना है जहाँ पे जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था, तो वहाँ पे चलते हैं। रशीद भाई जो है वो सामने ऊपर खड़े हैं। अच्छा अभी जो है माँ जी साथ हैं, रशीद भाई साथ हैं और माशाल्लाह इधर मौजूद हैं। रजब भाई का इंतज़ार है, बस अभी वो आएंगे तो उसके बाद देखते हैं। मुझे रजब भाई का वो रजब भाई मुझे मेरा रूममेट है अली असर, उसने बताया वो वीडियो देखा है। अच्छा जी रजब भैया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रजब भाई, ठीक हो? ये मेरा बच्चा पहले यूट्यूब भी समझ लें या टिकटॉक भी समझ लें जिन्होंने आगे ये खराब कर दिया, मतलब बाल कटवाए हैं पहला यूट्यूब नहीं यार ये इससे सब किसी से नहीं इधर से नहीं, जैसा निकम्मा बंदा कभी सोचा नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ ये जो इज्जतें मिली है ना अपने बाप की खिदमत की वजह से मिली, हम छोटे थे ना जो नहीं। अच्छा जी अभी जो है माँ जी के साथ बैठे हुए साथ अली हमजा भाई, रजब भाई, रशीद भाई और माँ जी, तो थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, उसके बाद जो है एक ज़ियारत रह गई है वो करवाते हैं और फिर माँ जी से जा सकते हैं। तो जी अभी जो है खाना वगैरह खाने के बाद इस टाइम सारे मौजूद हैं, पूरा काफला जो माँ जी को इस टाइम लेके हम जा रहे हैं जहाँ पे जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था जाहिलियत के दौर में, तो अभी जो है बस चलते हैं उधर माँ जी को वहाँ की ज़ियारत करवाते हैं, उसके बाद थके हुए उनको होटल छोड़ेंगे और उसके बाद ख़त्म करते हैं। अच्छा जी अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे जिंदा बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, और अच्छा अभी जो है होटल छोड़ने के लिए माँ जी को, और ऊपर माँ जी कह रही है कि केक खा के जाओ क्योंकि कल था मदर डे, तो अभी जो है चलते हैं माँ जी के पास ऊपर केक खाते हैं। अच्छा जी होटल में जो है वो आ गई। अच्छा जी अभी जो है होटल के अंदर बैठे हुए हैं और ये अपना रजब भाई लेकर रहे थे केक, जो कि माँ जी ने कहा कि बच्चे सारे मेरे पास हो तो मेरे साथ चलो ऊपर केक काटो मेरे साथ फिर और केक खा के जाना है सबने, तो वट जी सामने मुझे अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। उमरा आपको उमरा मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, दुआओं में हमें याद रखना है आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। तो रजब भाई मामा जो है वो वॉशरूम माँ जी की हैप्पी मदर डे का केक काट रहे, रजब भाई लेकर आए थे तो वो भी फिर जो है काटा है। सारे बच्चे सलामत रहो, अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगियां करे, अपनी नीचे माओं के साथ सारे मिलके ऐसी जिंदगी जियो, बड़ा मजा आता है इसमें बेटे। माँ जी थैंक यू वेरी मच बेटे। चल अनीस। हाँ जी। हाँ भाई। अच्छा जी माँ जी को जो थोड़ी थोड़ी हम ज्यारतें करा दी हमने, तो माँ जी खुश हैं राजी हैं आप? बहुत अल्लाह पाक का बड़ा करम, अल्लाह पाक आप लोग भी ऐसे साया अपना बना करके खुशियां दे, जिंदगी सलामती करे प्रदेश में, आप लोग अल्लाह आप लोग के लिए आसानियां पैदा करे, कभी कोई मुश्किल आप लोगों को दे ना मेरा पाक परवरदिगार, आमीन। तो बाकी ब्लॉग जो है वो आपने एंड करना है।
मम्मा बात कर रही हूँ, ये मेरा बेटा है वसीम। हाँ, इसका चैनल है क्या नाम रखा है इसका? मोहम्मद वसीक मक्का। हाँ, मोहम्मद वसीक मक्का के नाम से। तो मैं चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मौला के दर पे इस बच्चे ने मेरा बड़ा साथ दिया। जैसे मैंने मौला से कहा था कि अल्लाह पाक मैं वहाँ जाऊँ, मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला, मुझे अच्छे से ज्यारत करवा दे, मुझे अच्छे से उमरा करवा दे। मैं यहाँ का कुछ जानती नहीं थी, इस बच्चे ने मुझे बहुत प्यारी ज्यारत कही। उस बच्चे जो वीडियो बना रहा उसने भी ये सारे मेरे बच्चे इधर है इस मुल्क में मौला के पास काबे में, इन सबकी मौला ख्याल करे, इस मेरे बच्चे की भी स्पेशली ख्याल करे, सलामती करे। इसी के साथ हम अपना व्लॉग करते हैं, एंड आपने व्लॉग को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है, और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने, अच्छे अच्छे इसको व्यूज देने, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से कमा के अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा कर सके। बहुत शुक्रिया, खुश रहे, सलामत रहे, बाद में आप अपना चैनल बना।